Hey guys, this is fourth lecture of science chapter management of natural resources. इस लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में, तो फिर आइए लेट्स बिगिन। गाइस, किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। हमने क्लास नाइन्थ में ये पढ़ा था कि वाटर रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट में ये एक साइकिल कैसे फॉर्म करता है और साथ में ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये कैसे पॉल्यूट होता है। गाइस, इंडिया में वाटर की कमी बहुत ज्यादा है क्योंकि मॉनसून के सिर्फ 2-3 महीनों में ही बारिश होती है, पूरा साल बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो जाती हैं या फिर जो वेजिटेशन कवर है वो पॉल्यूट होने लगता है। और थर्ड इफेक्ट है इसका कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। इंडिया में बहुत टाइम पहले विलेजेस में पॉन्ड्स बनाए जाते थे जिसके अंदर वाटर स्टोर किया जाता था। जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो उसी पॉन्ड के जरिए की जाती थी और यहाँ तक कि क्रॉप्स के लिए जो इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए वो उसी पॉन्ड से लिया जाता था। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए उन्होंने ये सिस्टम एबॉलिश कर दिया। और क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने फिर क्या लॉन्च किया? यस सर, ब्रिटिशर्स ने डैम्स और किनाल सिस्टम लॉन्च किया था। दैट्स राइट, डैम्स के थ्रू जो पानी स्टोर किया जाता है उसे इरिगेशन के लिए तो यूज किया ही जाता है, साथ में उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और किनाल सिस्टम के थ्रू बहुत दूर दूर तक पानी पहुंचाया जाता था। पर गाइस, ये मोटिव उनका फेल हो गया क्योंकि वाटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं कर पाए। जिन लोगों के क्रॉप फील्ड्स वाटर रिसोर्स के पास थे उन्होंने तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, पर जिन लोगों के क्रॉप फील्ड्स काफी दूर थे वाटर रिसोर्स के वो ऐसा नहीं कर पाए, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। गाइज, आज भी गंगा पर तेहरी डैम की कंस्ट्रक्शन को बहुत लोग अपोज कर रहे हैं। क्या आप ऐसे ही किसी इशू के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में आज भी जो लोग हैं वो सरदार सरोवर डैम की हाइट को इंक्रीज करने को अपोज कर रहे हैं। करेक्ट, लोगों को डैम्स की कंस्ट्रक्शन से मेनली 3 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोगों को विलेजेस को अपने गांव को खाली करना पड़ता था क्योंकि डैम्स की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे विलेजेस डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और गाइस उन विलेजर्स को कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं था। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सपेंसिव है और उसके लिए जो पैसा था वो इंडियन से ही टैक्स के रूप में लिया जाता था और इंडियंस को कुछ खास फायदा मिलता नहीं था, इसीलिए वो अपोज करते थे। थर्ड इसकी प्रॉब्लम थी कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता था, डिफॉरेस्टेशन, और साथ में बायोडायवर्सिटी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था। गाइस, क्या आप जानते हैं कि 1970s में जो तावा डैम बनाया गया था उस टाइम जो विलेजर्स डिस्प्लेस हो गए थे उनको जो बेनिफिट्स प्रॉमिस किए गए थे वो उनको आज तक नहीं मिले हैं और वो आज भी उनके लिए लड़ रहे हैं। टीचर, ये तो बात हुई कि हम वाटर रिसोर्सेस को कैसे यूज करते हैं, अब आप हमें बताइए कि हमें इन्हें कैसे यूज करना चाहिए। गाइस, हमें वाटर को सेव करना होगा। पुराने टाइम में जैसे वाटर को स्टोर किया जाता था हमें भी वही करना है, बस डिफरेंस ये है कि पहले पॉन्ड्स बनाए जाते थे पर इस बार हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। रेन वाटर जो रूफटॉप्स में, कैचमेंट्स में, स्ट्रीट्स में जो कलेक्ट हो जाता है हमें उसे इकट्ठा करना होगा और एक गहरा गड्ढा बनाना होगा जिसमें वो पानी चला जाए, ग्राउंड उसे सीप कर ले और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम जब चाहें ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाल सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि गाइस जो रेन वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होगा। और थर्ड इसका हमारा बेनिफिट है कि मॉस्किटोज के लिए ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। गाइस, पर्सनली मेरे घर में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट है एंड गाइस बिलीव मी, जब आप बारिश के टाइम पर ऐसा होता देखेंगे कि रेन वाटर वहां पर जा रहा है आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आपको लगेगा कि हाँ, मैं रेन वाटर कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। सो गाइस, सेव वाटर, सेव लाइफ। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। क्लिक हेयर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हेयर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्लिक ऑन द सर्कल टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।